वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर कहा कि उनका दौरा कांग्रेस के लिए हमेशा शुभ रहा है। अमित शाह जो दावे बीजेपी के लिए करते हैं कांग्रेस उसे पूरा करती है। शाह कांग्रेस के लिए शुभांकर है। वे जब जब भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी दावा करते हैं कांग्रेस के लिए शुभ होता है। 2018 में उन्होंने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की 65 सीटें आएगी और कांग्रेस की 67 सीटें आई। एक बार फिर से वो यहाँ पे दावा करके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हमें पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जो हमारा नारा है कि अपनी बात 75 पार, वह साबित होगा। अमित शाह के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा, कहा कि हम सबको ये खेद रहेगा कि केंद्रीय गृहमंत्री प्रभु श्री राम के ननिहाल आए और आद्य पुरुष पर बैन की घोषणा किए बिना ही चले गए। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। हम सब छत्तीसगढ़वासियों की ये मांग राजनीतिक नहीं है, ये हमारे आराध्य की छवि पर हुए प्रहार का सवाल है जिससे हम सभी राम कहते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने बीजेपी के कांग्रेस प्रभारी के बदलाव के बयान पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ भी कहने से क्या होता है, उनके पास करने को कुछ नहीं है। हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को 15 साल मौका दिया, उसके बाद उन्हें जनता ने नकार दिया। प्रदेश की जनता का अब बीजेपी पर विश्वास नहीं है। कहने से क्या है, बीजेपी तो उनके पास कुछ है नहीं कहने को। हमारा काम चल रहा है, हमारा बढ़िया काम चल रहा है, सरकार का भी पार्टी का भी। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, हमारी सरकार कार्य कर रही है, फैसले हुए हैं। तो जनता के और हमारे बीच की बात है, बीजेपी की जहां तक बात है, 15 साल का इनको मौका मिला और यहां की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नाकार दिया। भिलाई में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्मश्री से सम्मानित उषा बारले से मुलाकात की। भिलाई स्थित उनके निवास पर पहुंचे अमित शाह ने उषा बारले द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद भी लिया। अमित शाह के घर पहुंचने पर उषा बारले और पूरा परिवार खुश नजर आया, जिसके बाद अमित शाह दुर्ग के रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे। शाह और उषा गृहमंत्री अमित शाह और उषा बारले की मुलाकात से उनके परिवार वाले भी काफी खुश नजर आए। हाँ, दूसरा छत्तीसगढ़ से कैसे भैया, और सब भी खादी थिएटरिल भी खादी और कैसे बनाए इसको करके पूछ रहे थे। बहुत स्वादिष्ट बने करके बोला, कोई नहीं बोले राजनीति के बारे में, कोई नहीं बोले। क्या कुछ विशेष चर्चा हुई 10 मिनट? कोई चर्चा नहीं हुई, बस परिवार में हाय हेलो भर करे हैं। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रभारी महामंत्री का बदलाव निरस्त हुआ है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने आदेश दिया है, इसको लेकर प्रभारी मंत्रियों के बदलाव को निरस्त किया गया है। रवि घोष को फिर बनाया कांग्रेस प्रभारी महामंत्री, वापस रवि घोष को पुरानी जिम्मेदारी दी गई है। रवि घोष को दिया गया है बस्तर का प्रभार। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम हाउस में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, संगठन को लेकर बुलाई गई इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, एआईसीसी सचिव चंदन यादव, प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर भी मौजूद रहे। बैठक में सभी विधानसभा की समीक्षा की गई और बूथ स्तर के चुनावी रणनीति पर विस्तार से मंथन हुआ। भागों में हमारे सम्मेलन हो चुके हैं, अब उसको हमने और नीचे लेकर जाना है। कार्य शुरू हो चुका है, ट्रेनिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है पार्टी का, और आगे हम सभी नेता लोग, और केवल हम नहीं सभी प्रदेश के नेता लोग और नीचे ज़मीन पर जाकर कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में
पार्टी के प्रोग्राम जो हम अब तय करेंगे उसके तहत आगे का फेज हम लागू करेंगे, शुरू करेंगे। वहीं कांग्रेस का विधानसभा प्रशिक्षण शुरू होगा, 26 से 28 जून तक आयोजित किया जाएगा यह प्रशिक्षण शिविर, कुल 18 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। शिविर का आयोजन 26 जून को दौरी लोहारा, दुर्ग, ग्रामीण भिलाई नगर, नवागढ़, कवर्धा, अभनपुर में शुरू किया जाएगा। 27 जून को साजा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोगरगांव, खुज्जी, मोहला, मानपुर में होगा। 28 जून को संजारी, बालौद, गुणरदेही, दुर्ग शहर, अहिवारा, बेमित्रा, पंडरिया में प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा और शिविर के जरिए विधानसभा चुनाव के सभी पहलुओं विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और प्रशिक्षण शिविर में उस विधानसभा में निवासरत प्रदेश जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सेक्टर जोन के कमेटी के अध्यक्ष, प्रभारी निकाय, नगरीय निकाय और जिला पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कृषि उपज मंडी सहकारी समिति के पदाधिकारी शामिल होंगे। तो 18 विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कांग्रेस करने जा रही है। वहीं कल से रायपुर में विश्व हिंदू परिषद का 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन होना है। देश भर से वीएचपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। धर्मांतरण को लेकर परिचर्चा होगी, धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की भी मांग की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद की सालाना 2 राष्ट्रीय बैठकों में से ये एक बैठक है। छत्तीसगढ़ में 2003 के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन वीएचपी का हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक है और रायपुर में इसलिए देश भर के कार्यकर्ता हैं और जो षष्ठीपूर्ति वर्ष है, 60 वर्ष विश्व हिंदू परिषद को पूर्ण होने जा रहे हैं, तो उसके बारे में सारी योजनाओं का विचार होगा और जो सारी चुनौतियां हैं, धर्मांतरण है, लव जिहाद है, इन सारे विषयों के बारे में भी यहाँ योजनाओं के बारे में विचार होगा। देखिए, हर राज्य में हमारी मान्यता है कि कानून आना चाहिए धर्मांतरण के विरोध में, क्योंकि धन देकर, प्रलोभन देकर इस तरह का धर्मांतरण करना ये गैर कानूनी है और इसलिए योग्य कानून चाहिए और लव जिहाद भी उसी का एक हिस्सा है। ये दोनों भी विषय मिलाकर एक कानून हर राज्य में और केंद्र में भी आना।